चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बताते चले, जहां निषाद समाज का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और इसमें करीब 5,000 से ज्यादा निषाद समाज के लोग पहुंचे थे। महंत दिग्विजय दात पार्क में निषाद महाकुंभ और नेता जयप्रकाश निषाद कर रहे हैं महाकुंभ। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बताते चले, निषाद समाज का शक्ति प्रदर्शन, 5,000 से ज्यादा निषाद समाज के लोग पहुंचे। आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती मंडल से लोग यहां पर पहुंचे। नेता जयप्रकाश निषाद कर रहे हैं महाकुंभ। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां निषाद समाज का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और इस शक्ति प्रदर्शन में 5,000 से ज्यादा निषाद समाज के लोग पहुंचे। महंत दिग्विजय दात पार्क में निषाद महाकुंभ हुआ और लोगों की मौजूदगी नजर आई। आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती मंडल से लोग यहां पर पहुंचे थे। नेता जयप्रकाश निषाद कर रहे हैं महाकुंभ, जिसमें 5,000 से ज्यादा निषाद समाज के लोग पहुंचे। तस्वीरें देखें किस तरह से निषाद समाज का शक्ति प्रदर्शन हुआ। जयप्रकाश निषाद गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद महाकुंभ का आयोजन किए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जयप्रकाश निषाद अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग यहां पहुंचे हैं। निषाद महाकुंभ में आए निषाद समाज के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग आए हैं यहां अपने नेता के समर्थन में, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि दो बड़े नेता आपस में ही लड़ गए? तमाम निषाद आए और निषाद के आरक्षण के लिए अपनी लाभ लेते रहे, इसलिए भरोसा नहीं रहा। और जयप्रकाश निषाद जी ने आश्वासन दिया कि जब तक आपकी मांग अनुसूचित जात की सुविधा नहीं मिलती है, तब तक आपकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। संतुष्ट अभी हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग को आरक्षण चाहिए। मछुआ विभाग का जो अपना मत्स्य वो चाहिए, पट्टी पट्टा चाहिए पोखरे का, चाहते हमारा हक मिले। हमारा यही मांग है कि हमारे समाज का जो मछुआ आरक्षण है उसको सरकार दे, यही हमारी मुख्य मांग है। आप क्या कहें? मेरा मांग यह है, ये इसलिए आज निषाद महाकुंभ लगा है कि जो क्रिमिनल लेयर में निषाद समाज को डाला गया था, भिन्न भिन्न जातियों को, इसी निषाद को भिन्न भिन्न जातियों में डाला गया था, उन्हें एक करके हमारा जो मछुआ समुदाय का आरक्षण है वह आरक्षण एससी एसटी का मिलना चाहिए। जाति के नाम पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का गठन जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो इनके समाज के लिए किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज टेक, गोरखपुर। जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ हैं। एक बड़ा आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आए। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इस महाकुंभ का आयोजन आपने किया था, लगता है कि पूरा हुआ? इस आयोजन का एक ही मकसद था कि हम किसी के हाथ कहीं भी बिकने वाले नहीं हैं। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तौर तरीके से हम लड़ना चाहते हैं। पूरा समाज चाहता है कि हमें अधिकार मिले, हमारे आने वाले परिवार, बच्चों, नौनिहाल, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। उसके लिए उनकी बहुत दिनों से चली आ रही ये अधूरी जो उनकी मांग है ये पूरी हो, इसके लिए ये समाज चाहता है कि कोई इस समाज को बेचे नहीं, इस समाज को जो है जो अधिकार है वो दिला करके इस समाज के आ रहे आंदोलन लगातार चलते चल रहे। कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, अब बलिदान समाज नहीं चाहता, समाज चाहता है कि हमारा अधिकार मिले और सही तरीके से मिले। लोग अधिकार दे करके इस समाज का पूरा सहयोग कर सम्मान बढ़ाएं, इसी को लेकर के आया था। और आज ये हुकार पहली बार एक संदेश देने का काम किया है, अगर ये अधिकार की बात, समाज की बात ठीक ढंग से संवैधानिक तरीके से भी कोई नहीं सुनेगा तो समाज फिर अगला रणनीति अपने हिसाब से फिर दूसरा कोई स्टेप लेने का जरूर काम करेगा। जब तक मिल नहीं जाएगा खबर एटा और सीतापुर से, जहां दर्दनाक हादसा